हेलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन ये लीजिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है वन अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए कैसे करते हैं वन अपॉन क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले हैं तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है वन बाई टू ए एल एन मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ये फार्मूला होता है, a, x a, c. है ना सॉल्व करते हैं इसको तो लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इसको है ना परफेक्ट स्क्वायर बना के पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इन थ्री तो एक थ्री स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर प्लस थर्टीन और एक माइनस थ्री स्क्वायर कर दिया राइट right? ऐसी प्लस थर्टीन माइनस नाइन फोर कौन सा सेकंड फार्मूला यूज हो गया सेकंड फार्मूला कैसे यूज करेंगे वन बाई इज टू है ना फोर का मतलब क्या है टू स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बायक्स माइनस थ्री बाई टू Plus C. This is our required answer. Thank you.